जेईई एडवांस्ड और नीट 2024 के लिए बच्चों को प्रदान करेंगे। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि समय कम है और बहुत तेज़ी से हमें शिक्षण का कार्य शुरू करना होगा ताकि हम एक अच्छा परिणाम और एक अच्छा रिजल्ट बच्चों के लिए लाकर दे सकें। और इस कोचिंग की जो मुख्य बात है ये है कि आईआईटी या नीट की जो प्रिपरेशन होती है उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड कोचिंग की ज़रूरत होती है, और आत्मानंद कोचिंग के माध्यम से जो बच्चे किसी भी वजह से कोचिंग में नहीं जुड़ पा रहे हैं वो इस कोचिंग का लाभ ले सकेंगे, और इसकी हमें बहुत खुशी है। और हम जो व्यवस्थाएं हैं उनके साथ निरंतर मिलके अच्छे से अच्छी कोचिंग देकर बच्चों का आगामी परीक्षा के अंदर अच्छे से अच्छा परिणाम और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। बस हम अपनी तरफ से यही विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष हिसारिया जी, जिन्होंने अपनी मंशा व्यक्त की। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अब वो महत्वपूर्ण क्षण है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह में, वो अमली जामा आने जा रहे हैं। अभी एलन और हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। मैं स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से समग्र शिक्षा की एमडी इफ्फा तारा मैडम, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के जो प्रबंध संचालक हैं इंद्रजीत चंद्रवाल सर से अनुरोध करूंगा कि वे एलन के जो स्टेट हैं उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और स्कूल मंत्री जी के समक्ष जो एमओयू है उस पर हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा की ओर से समग्र शिक्षा की प्रबंध संचालक सुश्री इफ्फा, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के प्रबंध संचालक श्री इंद्रजीत चंद्रवाल सर, और एलएन कैरियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कोटा राजस्थान की ओर से हमारे बीच में आशुतोष जी जोनल हेड, और यहाँ उपस्थित हैं कुणाल सिंह स्टेट हेड। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, माननीय गिरीश देवांगन जी और हमारे बीच में प्लानिंग कमीशन के मेंबर मिताक्षरा मैडम भी यहाँ आ चुकी हैं। वरिष्ठ अधिकारीगण डॉक्टर आलोक शुक्ला सर, सेक्रेटरी सर, ये बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर होने जा रहा है। सभी तालियां बजाएं अपनी जगह जहां जहां आप देख पा रहे हैं। यह अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको दिया है, एक ऐतिहासिक कार्य आज हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की उसे बहुत कम समय में स्कूल शिक्षा विभाग ने युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए कर आया। जी हां, उसका विधिवत उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, बटन दबाकर विधिवत उद्घाटन। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगा डीपीआई सर से और एससीआईटी के डायरेक्टर सर की वो इस अवसर पर इस योजना के संबंध में एक ब्रोशर बनाया गया बहुत कम समय में, उसका भी विमोचन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी। प्रमुख सचिव महोदय और सचिव महोदय से भी अनुरोध है कि वे भी देवानंद साहब मैडम।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी और अन्य अतिथिगण। अब बारी है हमारे 150 कोचिंग सेंटर जो प्रारंभ हुए हैं, उनमें से कुछ कोचिंग सेंटर से आज माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे। मैं सर्वप्रथम राजनांदगांव गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बसंतपुर से अनुरोध करूंगा कि वे कनेक्ट हों। बसंतपुर राजनांदगांव नमस्कार सर। मैं राजेश सिंह जिला शिक्षा अधिकारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर कि हमारे शासकीय विद्यालयों के बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद कोचिंग प्रारंभ किया गया है, जिसका दूरगामी लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा सर। और हमारे बच्चे यहाँ छात्र उपस्थित हैं सर, मैं उनसे भी आपकी बात करवाना चाहता हूँ सर, वो भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं संध्या को आमंत्रित करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करें। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सीएम सर, मेरा नाम संध्या यादव है, मैं कक्षा 12वीं गणित संख्या की छात्रा हूँ। मैं महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला विकास खंड व जिला राजनांदगांव में पढ़ती हूँ। सर, आपके द्वारा जारी किए गए स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के माध्यम से JEE पंडित की कोचिंग निःशुल्क करवाई जाएगी। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैं कोटा या किसी अन्य जगह कोचिंग करने में असमर्थ थी, अतः इस योजना के लिए मैं तथा मेरे अभिभावक आपका धन्यवाद करते हैं। इस योजना से मेरी तरह अन्य सभी असक्षम तथा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मदद मिलेगी। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजनांदगांव। अब हम राजनांदगांव से चलते हैं बेमेतरा जिले के साजा, और ये एक संयोग है, साजा के माननीय विधायक और मंत्री जी श्री रविंद्र चौबे जी हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी हैं। तो मैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल साजा के अनुरोध करूंगा कि वे बात करें। नमस्कार सर, स्वामी आत्मानंद कोचिंग सेंटर साजा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सर। मैं मनीष कुमार वर्मा, नोडल प्राचार्य TJS साजा सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, ये बहुत ही अच्छी योजना जो हमारे गांव के बच्चों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी के द्वारा ये आज की इस योजना का उद्घाटन किया गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे यहाँ बच्चे आपसे इन्वाइट करना चाहते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आरा साहू, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के इंदिरा गांधी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में पढ़ती हूँ। हमको यहाँ बहुत खुशी, हम लोग नहीं सोचे कि हमें बाहर पढ़ने को जाने दिया जाएगा। हमारे पेरेंट्स को बहुत महंगा रखना पड़ता है इज्जत के लिए, पर इतने प्रसन्न हुए कि यहाँ नीट और JEE की कोचिंग हो गई है। इस कोचिंग में मैं नीट की कोचिंग करती हूँ। यदि मेरा सिलेक्शन नीट में हुआ, मेरे अभिभावकों और मेरे परिवार जनों को बहुत खुशी होगी। इस प्रकार हम सभी छात्र छात्राएं मेरा सभी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके चेहरे की झलक दिखाई दे रही है, खुशी दिखाई दे रही है चेहरे में, आपने देखा होगा। अब हम साजा से चलते दुर्ग जिले के पाटन, और पाटन आप सभी को मालूम होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संयोग है सर ये कि हम अब पाटन चलते हैं, और पाटन में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर तैयार है सर। चलिए नमस्कार सर, मैं अभय जयपाल, जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग। हमारे सर दुर्ग जिले में 290 बच्चों का पंजीयन हो चुका है। अभी पाटन गर्ल्स में सर 78 बच्चों का पंजीयन है जो JEE नीट की तैयारी करेंगे, और प्रमुख रूप से सर बच्चों के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों में भी काफी उत्साह है सर, जिसमें प्रमुख रूप से सर भूपेंद्र कश्यप जी, हेमंत देवांगन जी, कमलेश मिश्रा, भास्कर सावरणी जी, अरविंद भारद्वाज जी, शेख मजीद जी, शीत कुमार विश्वकर्मा जी, देवेंद्र चंद्रवंशी जी सर विशेष रूप से उपस्थित हैं। और सर हमारे बच्चे भी बड़े उमंग और उत्साह से भरपूर हैं सर, आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं।
सरलता एवं सहजता की प्रतिमूर्ति माननीय मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री महोदय, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस मेरा नाम कुमारी धात्री सेन है। मैं स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्या कन्या पाटन की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 12वीं बायो की छात्रा हूँ। मैं नीट की तैयारी के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। महोदय, आपकी इस योजना से हम जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए बहुत ही सुना अवसर प्रदान किया गया है, जिसके चलते हम यह शिक्षाएं फ्री में उपलब्ध कर सकते हैं, जिससे कि हमारा सुनहरा भविष्य और भी अच्छा हो सकता है। इसके लिए मैं आपको हृदय से अभिव्यक्ति करती हूँ। बहुत बहुत बधाई। लेकिन अभी तीन जिले में गए और तीनों जगह लड़कियां ही बोल रही हैं। एक आध कोई लड़का भी बोले भाई खड़ा भी हो गया, माइक ले लो। नमस्कार, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम साहिल वर्मा है। मैं दाव रामचंद साहू स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यमिक विद्यालय पाटन से 12वीं कक्षा का गणित सेक्शन का छात्र हूँ। सर, आपके द्वारा संचालित फ्री में जेईई एवं नीट की कोचिंग योजना स्वामी आत्मानंद योजना के लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो आपने हम छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए स्वामी आत्मानंद फ्री कोचिंग योजना प्रारंभ की है। मैं यहाँ जेईई की कोचिंग लेने के लिए आया हूँ। सर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, कौन गांव रहते हो? गांव कौन से है? आप अपना गांव बताइए, कौन से गांव की? वर्मा जी, गांव बताइए। साहिल, आप बताइए। सर, मेरा नाम साहिल। गांव का नाम चंगोरी। अजी, चंगोरी। चंगोरी से? चंगोरी। तो चंगोरी से वहां रोज आते हो यहाँ? यस सर। चलो ठीक है, तो बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। yes. पाटन से अब हम चलते हैं ऐसे जिले में जिसे नए जिले की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, गोरेला पेंड्रा मरवाही। अच्छा, गोरेला पेंड्रा मरवाही के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल से मैं अनुरोध करूंगा कि वे बात करें। प्रणाम सर। मैं बजंती एक का प्रचार है, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंड्रा, सेजस पेंड्रा। सर, मैं इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस शुभ अवसर पर सभी को स्वागत करती हूँ। हमारे यहाँ के बच्चे आज बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम यश ठाकुर सर जी। मैं यश ठाकुर स्वामी आत्मानंद कृष्ण हिंदी माध्यम विद्यालय पेंड्रा कक्षा 12वीं गणित संकाय कक्षा हूँ सर। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा स्कीम निकाला जिसके द्वारा हम गरीब छात्र हम अपने शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छा बना सके। जो व्यक्ति IIT JEE नीट में अपना उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, वो आजकल के जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा फीस होती है, लेकिन आपके द्वारा जो स्कीम निकाला गया है उससे हम लोग बहुत ही फ्री रेट में हम लोग अपना कोचिंग व्यवस्था बना सकते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा, एक बात बताओ, आपको ये पता है कि फीस ना लेते हैं कोचिंग वाले? वो नहीं पता सर, लेकिन इतना पता कि बहुत ही महंगा फीस है। चलो ठीक है बेटा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्ग बिलासपुर संभाग के बाद हम चलते हैं बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में बीजापुर एक दूरस्थ जिला है, जहां सेजेस भोपालपट्टनम स्वामी आत्मानंद स्कूल भोपालपट्टनम हमसे रूबरू होंगे। बीजापुर भोपालपट्टनम। आदरणीय मुख्यमंत्री सर को सादर नमस्कार। मैं सर जिला शिक्षा अधिकारी BR बघेल, सेजेस भोपालपट्टनम। आपने जो स्कीम चालू करी इन छात्रों के भविष्य बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत
आदिवासी बहुल क्षेत्रों के बच्चों को ये लाभ होगा सर, और ये योजना मील का पत्थर साबित होगा। मैं भोपालपट्टनम सेजेस की छात्रा कुमारी निधि वासम से आपको बातचीत कराता हूं सर। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड, माय नेम इज निधि वासम, आई एम स्टडी इन क्लास 12 बायोलॉजी स्ट्रीम, आई एम फ्रॉम स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल भोपालपट्टनम डिस्ट्रिक्ट बीजापुर। सर आपने और एलएन इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में जेई और नीट की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। हम लोग रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं सर, यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज नील है, और आपने ऐसे एरियाज में हमारे लिए एजुकेशन प्रोवाइड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर, धन्यवाद। अच्छा ये बोलो सर, एलएन कोचिंग के बारे में जानते थे पहले? यस सर, ये एक तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है सर। इसके बारे में कुछ जानती हो? यस सर, यहाँ पे जेई और नीट कोचिंग कराते हैं सर, प्राइवेट है। वाह बढ़िया, आपकी प्रसिद्धि पहले से है, बच्चों तक रिमोट एरिया पहुंच गया जी, तो बाय बेटा। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की खुशियां बता रही हैं कि कितनी खुशी उनको हो रही है, कितना सुखद क्षण उनसे महसूस हो रहा है। अब हम चलते हैं महासमुंद जिले के बसना में, जहां स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बसना के छात्र उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से रूबरू होंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं बसना में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं सर, और हमारे इस केंद्र में अभी 66 विद्यार्थी नीट और जेई। बोलिए। सरगुजा जिले से कोई स्कूल आ जाए, जसपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, कोरिया, जसपुर जिला कोई दिख रहा है क्या? हाँ चलिए बोलिए। बोलिए, जसपुर से कोई भी छात्र माइक ले लें, कैसा लग रहा है आपको? हाँ ठीक। जिले से मैं जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार सिन्हा बोल रहा हूँ सर, और हमारे बीच में जसपुर सेजस हिंदी उत्कृष्ट विद्यालय से बच्चे जुड़े हुए थे, और कुछ बच्चे महोदय को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका गुड मॉर्निंग सर, मैं प्रियांश भगत कक्षा 12वीं साइंस का स्टूडेंट हूँ, जो स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यमिक विद्यालय जिला जशपुर में पढ़ाई करता हूँ। सर मैं कुछ समय पहले अभी भी कंटिन्यूसली एक प्राइवेट कोचिंग में कोचिंग प्रदान, मतलब जो 700 रुपये फीस देकर एक करता, तो आपकी अभी एक आईटी और जी तो सर जो कोचिंग आपने प्रदान किया है उस चीज का आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग को अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी, तो उस चीज के लिए आपको सही तरह से धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया सर। सरगुजा जुड़ना चाह रहे हैं, चलो चलिए बहुत धन्यवाद। अब हम सरगुजा संभाग के सरगुजा स्कूल से अनुरोध करेंगे वो रूबरू हो। जसपुर से हम चलते हैं सरगुजा। अंबिकापुर लिखा है क्या? राजपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से सर। बाकी लोग हमारे यहाँ सारे बच्चे जुड़े हुए हैं सर, और बच्चे अपने तरफ से आपको इस कोचिंग के शुभारंभ के अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं सर।
माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कुमारी उषा राजवाड़े है, मैं कक्षा 12वीं मैथ की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढरा कला है। मैं जेई की तैयारी करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ सर, आपने हमें फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम बाहर कोटा जैसे अन्य प्राइवेट कोचिंग सेंटर में जाके कोचिंग करें। तो सर आपको मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। यदि आपने हमें फ्री कोचिंग सेंटर अवेलेबल नहीं कराया होता तो हम गरीब बच्चे जेई नीट की तैयारी नहीं कर पाते और हमारा सपना सब